क्या हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार में सब ठीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जेजेपी में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से लंबी मुलाकात की। मुलाकात से पहले बिप्लब देब ने 5 निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ही दलों ने साफ किया है कि गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है। शुक्रवार शाम हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब जब चंडीगढ़ के सीएम आवास संत कबीर कुटीर पहुंचे तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। हरियाणा की गठबंधन सरकार के बीच खटास की खबरों और पिछले 2 दिनों से जारी मेल मुलाकातों का ये तीसरा राउंड था जिसने राजनीतिक गलियारों की धड़कनें बढ़ा दी। संत कबीर कुटीर में शाम 7 बजे शुरू हुई सीएम खट्टर और प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे, इसलिए माना जा रहा है कि सूरजमुखी के एमएसपी को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन एक कयास ये भी है कि इस बैठक में गठबंधन सरकार को लेकर भी चर्चा हुई होगी। भाजपा हरियाणा के प्रभारी बिप्लब देब शुक्रवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से बात की और उनकी जो बैठक थी शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जो 10 बजे के बाद यानी 3 घंटे से ज़्यादा उनकी बैठक चली है, काफ़ी लंबी बैठक चली है। जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन को लेकर तो बात हुई ही है, साथ ही साथ किसानों को लेकर ही बात हुई है, क्योंकि बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे और जिस तरह से प्रदेश में सूरजमुखी की खरीद का मुद्दा चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन भी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस मुद्दे को लेकर भी बात हुई है। बैठक हुई, चर्चा चली और सियासी अटकलबाजियां शुरू हुई तो जेजेपी नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी खुलकर बोले। मीडिया के सवालों पर सवाल किया, मिलना जुलना कोई अपराध है क्या? हमने कौन सा समर्थन छोड़ा है? लगातार मुलाकात करना कोई अपराध है? मुलाकात तो सभी करते रहते, मेरे पास भी आते हैं, उनके पास भी जाते हैं। आज काम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, किसी भी एमएलए को, मुझे नहीं लगता कि वो जाने में सरकार के पास कोई रोक है। राजू ने सरकार को समर्थन दे रखा है, हमने कौन सा उनका समर्थन छोड़ा है? कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया गृह मंत्री अनिल विज की रही। उन्होंने कहा कि बिप्लब देब हमेशा मिलते रहते हैं, निर्दलीय विधायकों से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। नहीं, बिप्लब देब जी हमेशा सबसे मिलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे प्रभारी हैं, वो पुराने कार्यकर्ताओं से भी जा जाकर मिल रहे हैं और निर्दलीय जो हमें समर्थन दे रहे हैं उनसे भी आज मिले हैं, बाकी भी अन्य संगठन के लोगों से भी वो लगातार बातचीत करते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमें कोई मोड चेंज नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा फील्ड में ही रहते हैं, वो कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं। ये तैयारी तो उनको करनी पड़ रही है जो बैरकों में चले जाते हैं। अटकलों का क्या है, वो तो समय समय पर किसी भी गठबंधन सरकार का हिस्सा रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला के इस बयान को ही सुन लीजिए जिसमें वो कहते हैं कि गठबंधन सरकार बनाकर किसी ने भी एक दूसरे पर एहसान नहीं किया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को लगता है कि फिलहाल गठबंधन सरकार में कोई दरार नहीं है। Zee News.